संसार में हर कोई व्यक्ति अद्वितीय होता है। सोचो, तप और त्याग की बात सोचो और सोच सोच कर सोचो कि आज मैं क्या संकल्प लेता हूं कि मैं अपनी तरफ से क्या त्याग करूंगा। अब तक हमने धर्म का ये पाठ तो सीखा है कि त्याग करना है तो किसी गरीब को अपनी उतारू पुतारू साड़ी दे देना त्याग कहलाता है, संसार छोड़ आना त्याग कहलाता है, उपवास कर लेना तप और त्याग कहलाता है। मैं चाहूंगा पहले व्यक्ति अपने घर को ठीक कर ले और अपने घर वालों के लिए त्याग कर दे। जो आदमी अपने घर वालों के लिए साड़ी की व्यवस्था नहीं करता, अपने बड़े बुजुर्गों को साड़ी और धोती नहीं देता, उस आदमी को किसी गरीब को धोती और साड़ी देने का कोई अधिकार भी नहीं होता। वो पहले अपने घर को तो ठीक कर ले। मुझे दुनिया को ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं होता अगर मैं उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं जीता हूं तो। किसी भी ऐसे ज्ञान की बात को दुनिया के सामने कहना जिसे हम अपने जीवन में नहीं जीते, वो कहना भी पाप है। वो कहना पाप है अगर हम दूसरों को कहते हैं और वो ज्ञान अगर हम खुद अपने जीवन में नहीं जीते हैं तो। तो संवत्सरी का यह पर्व हमें तप और त्याग करने की प्रेरणा देता है और यह सिखाता है। सोचो, मैं अपनी तरफ से आज क्या त्याग करूंगा। सोचो क्या त्याग करेंगे, आधा मिनट तक सोचो कि मैं अपनी तरफ से क्या त्याग करूंगा। केवल सुनो मत, सोचो। आज का दिन सुनने का दिन नहीं, आज का दिन सोचने का दिन है कि सोचो मैं अपनी तरफ से क्या त्याग करूंगा। धीरज से सोचो क्या त्याग करूंगा। अगर आपकी बहू है तो बहू के लिए सोचो, पति है तो पति के लिए सोचो, पत्नी है तो पत्नी के लिए सोचो, बेटा है तो बेटे के लिए सोचो, पिता है तो पिता के लिए सोचो। पढ़ी लिखी एक बहू, नई नई शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, लेकिन जिस घर में शादी हुई थी वहां के लोग परंपरा वाले लोग थे। पुराने सोफे, पुरानी कुर्सियां, पुराने टेबल, पुरानी रसोई घर, उसका मन न लगा उस घर में। उसने फैसला कर लिया कि वो अपना घर अलग बसाएगी। उसने अपने पति से भी कह दिया, पति ने मना किया कि हमारे घर में इस तरह के संस्कार नहीं हैं। अभी तक तो हमारे ताऊ जी, पापा जी, चाचा जी सब लोग साथ रहते हैं, मैं अलग होने की सोच कैसे सकता हूं। बहू ने कहा, ये मेरा फैसला है, आप मेरे साथ चलें तो ठीक और नहीं तो मैं अपने पीहर जाती हूं। मरता क्या ना करता, तैयार होना पड़ा। बोरिए बिस्तर इकट्ठे हो गए और जैसे ही निकलने लगा कि नीचे पहुंचने पर सामने मिल गए ताऊ जी, और ताऊ जी ने जैसे ही देखा कि बहुरानी बेडिंग सूटकेस लिए हुए कहीं जा रही है तो ताऊ जी ने पूछा, बेटा कहां जा रही हो। बहू से कुछ बोलते न बना ताऊ जी ने कहा, बेटा कहां जा रही हो, थोड़ा बता तो दो। तभी पास में खड़ी हुई बड़ी बहुरानी ने कहा, ताऊ जी, बहुरानी अपना घर अलग बसाना चाहती है। ताऊ जी को तो सुनकर के ही उनके रोंगटे खड़े हो गए कि जिस घर में आज तक किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि हम लोग अपना घर अलग बसाएंगे, और वहां पर यह बहुरानी ऐसा कैसे सोच रही है। आधा मिनट ताऊ जी चुप रहे। ताऊ जी ने पूछा, क्यों, कोई वजह है अलग होने की। बहुरानी फिर भी चुप रही। बड़ी बहुरानी ने कहा, ताऊ जी इन्हें घर के सोफे, कुर्सियां, टेबल, पुरानी रसोई घर, रंग रोगन इन्हें पसंद नहीं आया। ये कहती है कि ये कौन से 100 साल पुराने घर बना रखे हैं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, ये पुराने सोफे वगैरह मुझे पसंद नहीं आते हैं। ताऊ जी को लगा जिस सोफे के लिए कहा जा रहा है वो तो उनके दादाजी का खरीदा हुआ सोफा है, इतना पुराना सोफा और उसे उसके लिए इस तरह के शब्द कहना कि ये पुराने सोफे उन्हें पसंद नहीं है।
आधा मिनट तक वो कुछ सोचते हैं और अचानक फैसला करते हुए कहते हैं, बहुरानी तुम्हें अलग होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ये सोफे पसंद नहीं है, मकान में जो कली कराई हुई है वो कली तुम्हें पसंद नहीं है, चूनी का रंग तुम्हें पसंद नहीं है, बहुरानी तुम अलग होने की बजाय तुम इसी घर को ही ठीक कर लो। और ये कहते हुए ताऊ जी खड़े हुए अलमारी के पास गए, अलमारी की तिजोरी खोली और अंदर से कुछ गहने निकाल कर दिए और कहा, बेटा ये गहने तेरी ताई जी के हैं, मेरे तो कोई काम नहीं आ पाए, ये तू गहने ले जा और ले जा करके इन्हें बेच आ और जितने पैसे आते हैं सारा घर ठीक कर ले। अरे एक घर को ठीक करना कहीं ज्यादा अच्छा होता है उस घर को तोड़ने की बजाय। और तब ताऊ जी ने कहा, बेटा अगर किसी भी वृक्ष की कोई एक डाल भी अलग हो जाती है ना तो पूरा पेड़ प्रभावित हो जाता है, तुम डाली हो और डाली अलग मत हो, मैं तो इस पेड़ की जड़ की तरह हूं और जड़ होने के नाते मेरा फर्ज होता है कि मैं पेड़ की प्रत्येक डाली तक अपना पानी और पोषण पहुंचाऊं। बेटा ये ले जाओ गहने, बेच दो, नए सोफे ले आओ, नई कुर्सियां ले आओ, रंग रोगन नया कर डालो, आखिर छोड़कर तुम लोगों के लिए ही जाना है, पर मेरे रहते अगर घर टूट गया तो ये मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। सोचो, सोच कर सोचो। ताऊ जी ने सैक्रिफाइस किया, हम अपनी ओर से क्या सैक्रिफाइस करेंगे, क्या तप और त्याग अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे। संवत्सरी का यह प्रेम का पर्व, यह क्षमा का पर्व हमें पढ़ाता है कि सब लोगों के प्रति दया और दान के भाव अपने दिल में संजोने का प्रयत्न करो, प्राणी मात्र के प्रति अपने दिल में दया और करुणा लेकर के आओ। भगवान श्री नेमिनाथ जी ने तो प्राणी मात्र पर करुणा से प्रेरित होकर के अपने विवाह तक का त्याग कर डाला था। राजा शिवी ने अपने राजमहल में, अपनी राजसभा में शरणागत हो चुके कबूतर को बचाने के लिए अपनी जंगा का मांस काट काट करके देना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, देव माया से जब कबूतर और ज्यादा भारी होता चला गया तो दया से प्रेरित होकर के राजा शिव ने, अर्थात भगवान शांतिनाथ जी के पूर्व भव के राजा मेघ ने अपनी ओर से अपने आप को ही तराजू पर रख दिया था कि अगर एक जीव की दया हो सकती हो तो मेरा जीवन अगर कुर्बान होता है तो ये मेरे लिए मंजूर है। अरे भाई मैंने तो सुना है सीता जी और द्रौपदी जी के जब पूर्व भवों को पढ़ते हैं तो सीता जी के पूर्व भवों में घटना आती है कि देरानी और जेठानी में तकरार होती है, सब्जी कड़वी बन जाती है, तुम्बे की सब्जी बनाते हैं खारी निकल जाती है, घर पर एक महीने का उपवास करने वाले मुनिजन आहार लेने के लिए आते हैं, वो महिला खड़ी होती है सोचती है ये खारी सब्जी है तुम्बे की, अरे महाराज को दे देती हूं। महाराज ने सब्जी ली और अपने स्थान की तरफ निकल पड़े, उपाश्रय में पहुंचे, गुरुजी को जाकर के आहार दिखाया, गुरुजी ने गंध सूंघी तो लगा अरे ये सब्जी नहीं, ये तो जहर है, जहर। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बेटा ये सब्जी खाने के लायक नहीं है, जाकर के किसी भी एकांत स्थान पर जाकर के इस सब्जी को विसर्जित कर आओ। संत रवाना होता है, संत रवाना होता है और ये सोच करके मैं ये सब्जी गिराऊंगा और मेरे गुरु ने पहचान लिया है कि इस सब्जी में जहर है, ये इतनी कड़वी है कि सब्जी जहर है, सोचा मैं यहां गिरा के जाऊंगा और अगर कोई चलती फिरती चींटी आएगी और उसे खाएगी तो क्या होगा। तभी उसने एक बूंद निकाल करके नीचे डाली जमीन पर, खुशबू से कुछ चींटियां आई और जैसे ही उसको सूंघा कि सूंघने के साथ ही अथवा चखा और चखने के साथ ही चींटी एक एक करके वहां पर मरने लग गई। संत दया से प्रेरित हो उठा, दया से अभिभूत हो उठा और उसके अंतर्मन के दया ने उससे कहा कि अरे जीवड़ा
अगर ये सब्जी तू यहां गिरा के चला जाएगा तो न जाने कितनी कितनी चींटियां और मकोड़े और जीव और जंतु इसे खा खा करके मरेंगे। अरे हजार या अनगिनत जीव जंतु आकर के मरे उससे तो अच्छा है मैं ही इसे खा करके अपनी यह लीला समाप्त कर देता हूं। और दया भाव से प्रेरित होकर के उसने वह सब्जी, वह जहरीली सब्जी खुद ग्रहण कर ली। ये दया धर्म है, आज का धर्म तो दया का धर्म है, आज का दिन तो दया का दिन है। और आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को यह निर्णय कर लेना चाहिए कि मैं अपनी ओर से दया के लिए क्या कर रहा हूं। अगर आप एक अधिसंपन्न व्यक्ति हैं तो ये मन बनाएं कि मैं आने वाले एक वर्ष में अपनी ओर से दया दान के लिए 11 लाख रुपए निकालूंगा। अगर आप अधिसंपन्न हैं तो ये निर्णय करें कि मैं दया दान के लिए अपनी ओर से 11 लाख रुपए निकालूंगा। अगर आप कम संपन्न हैं तो निर्णय करें, मन बनाएं कि आज संवत्सरी के दिन मैं अपना मन बनाता हूं कि इस एक वर्ष में मैं 1.25 लाख रुपए दया और दान के लिए समर्पित करूंगा। और अगर आपको लगता है आप 1.25 लाख नहीं निकाल सकते, निर्णय करें मैं 11,000 या 21,000 रुपये इस नए वर्ष पर दया और दान के लिए अपनी ओर से समर्पित करूंगा। कोई बहुत ज्यादा कमजोर है तो सोचे कि मैं 1100 रुपये अपनी ओर से साल भर तक दया और दान के लिए खर्च करूंगा। पर अगर कोई इससे भी ज्यादा कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति से मेरा अनुरोध है वो हमारे पास आए और हमें लाभ दे ताकि हमारी दया और दान की भावना उसके काम आ सके। दया और दान प्रत्येक व्यक्ति को आज के दिन ये निर्णय करना चाहिए कि मैं अपने आने वाले वर्ष के लिए, संवत्सरी का अर्थ होता है नया वर्ष, पिछला वर्ष जो हमारा बीता उसमें जो जो अशुभ हुआ उसके लिए हम सॉरी कहेंगे और नए वर्ष के लिए हम लोग नए कल्याणकारी संकल्प और सपने अपने दिल में संजोएंगे। सोचो सोचो, अपनी आत्मा से पूछो, अपने आप को तौलो कि आपके पास कितना पैसा है और जितना पैसा है उसमें से एक हिस्सा, जितना आपके पास है उसमें से एक हिस्सा अपनी ओर से निकालो। मेरी बात माने तो मैं तो यह अनुरोध करूंगा, अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसमें से 4 रुपये निकालो। 1 रुपया जिसका पुण्य आपके मां बाप के नाम पर होना चाहिए, मां बाप के नाम पर वो दया और दान में खर्च होना चाहिए। अगला 1 रुपया आप पति और पत्नी दो हैं पर दो होकर के भी आप एक हैं तो पति और पत्नी के भी पुण्य हमेशा सवाए रहे। पति और पत्नी को भी, पति और पत्नी को भी जीवों की दुआएं मिल सके, इसलिए 1 रुपया पति और पत्नी के नाम पर लगाओ और 1 रुपया आपकी जो आने वाली पीढ़ी है अर्थात आपके बेटा और बेटी हैं उनके नाम पर, उनके हाथों से अपनी ओर से साल भर तक 1 रुपया और लगाओ। और अगला 1 रुपया अपनी बहन, अपने भाई, जो आपके मां बाप के पैदा किए हुए खून के रिश्ते हैं उनके नाम पर 1 रुपया लगाओ। इस तरह से अगर आपके पास 1 करोड़ है तो 4 लाख निकालने की सोचो, और अगर आपके पास 1 लाख है तो उसमें से 4,000 निकालो। आप अपनी अपनी औकात का मूल्यांकन करो, अपने दिल में अपने मन में निर्णय करो कि संवत्सरी का पर्व है, मैं अरिहंत प्रभु को याद करके अपने दिल में यह भाव बनाता हूं कि मैं दया और दान के लिए अपनी ओर से साल भर में इतना खर्च करूंगा। सोचो, आधा मिनट तक पलक झुकाकर सोचो, मैं अपनी ओर से नए वर्ष के लिए दया और दान के लिए